तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं अब। इसमें लिखा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होती है। आव्यूहगुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांड में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, देखिए दो भाग दिया है, पहला दिया है 1,800 रुपये हो और दूसरा दिया है कि 2,000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लिया, तो प्रश्न नंबर 19 में है लिखे, माना पहले बॉन्ड में निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि यक्स, तो दूसरे बॉन्ड में निवेश की गई राशि, तो ये कुल पैसा कितना है इसमें, इसमें 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जाएगा 30,000 - x, ठीक ना, इतना रुपया यहाँ लगाया, इतना रुपया यहाँ लगाया। लिखेंगे पहले बॉन्ड का ब्याज दर कितना प्रतिशत है, तो पहले वाले पर 5% है एवं दूसरे बॉन्ड का ब्याज दर कितना दिया, इसका 7% दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं PRT/100, ठीक ना, पी बराबर मूलधन, आर बराबर दर, टी बराबर समय, बटे 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। चूंकि इसको एक वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, इसलिए अब इसको हम न लिखें तब भी हो जाएगा, ठीक ना। मतलब क्या हुआ, मूलधन का दर के संग गुणा करना है तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले वाले भाग में लिखा हुआ है SI, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 1800 दिया है, तो 1,800 रुपया है, ठीक ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए आव्यूह बनाएंगे, पहले यहाँ पहली राशि लिखा, यहाँ लिखेंगे दूसरी राशि, ये दूसरी राशि है, और इनको दर के संग गुणा करेंगे, तो पहला दर 5 और दूसरा दर 7, तो बटे प्रतिशत, तो बटे 100 लगा लेते हैं इसको, और ये बटे 100, कितना प्राप्त होना चाहिए हमको, 1,800 रुपये प्राप्त होना चाहिए। इससे हमें यक्स का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखेंगे इसका, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा यक्स गुणे 5/100 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 30,000 - x गुणे 7/100 बराबर 1,800। अब देखिए इसमें बटे 100 बटे इसका लघुत्तम लेके, मतलब एक 100-100 कॉमन इधर पक्षांतर कर देंगे, देखिए इसको क्या करना है, ये 100 इसका लघुत्तम लेंगे तो 100 ही हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 7 × 7 = 21, 1, 2, 3, 4 - 7 × 1 = 7 बराबर 1,800, ये x हो जाएगा, है ना, 7x, 5 में से 7 गया, -2x प्लस 21 बराबर, इसका त्रिगुणा उधर कर देंगे तो जाएगा 18, 1, 2 और 1, 2, 0 यहाँ लग गया, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक ना, या तो इसको लेकिन माइनस में है तो ये जाएगा, इसको उधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो हो गया 21, 4, 0
यहाँ 18 चार जीरो बराबर 2x, तो ये हो जाएगा 18 19 20 21 मतलब 3, ये हो गया 30,000। तो x का मान कितना हो जाएगा, 30,000 बटे 2 कटेगा तो 15, 1 2 3, तो x का मान कितना आ गया 15,000, ठीक ना। तो ये हो गया x का मान, तो इसमें हो जाएगा, अतः लिखेंगे पहले बॉन्ड में निवेशित राशि कितनी हो जाएगी, ये हो गया 15,000, ठीक ना। और दूसरे बॉन्ड में निवेशित राशि बराबर, तो देखिए 30,000 माइनस 15,000, तो 30,000 माइनस 15,000, तो आ गया 15,000। तो मतलब देखिए इसमें बराबर बराबर राशि लगाई गई है, 1800 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए दोनों बॉन्डों में बराबर बराबर राशि लगाई गई है। अब देखिए इसमें दूसरा प्राप्त करना है कि 2,000 रुपये प्राप्त होना चाहिए, ठीक ना। तो 2,000 रुपया यहाँ लिख देते हैं, सिर्फ दूसरा भाग है, 2,000 रुपये प्राप्त करना है, ठीक ना। तो 2,000 रुपये प्राप्त करने के लिए ये तो वही रहेगा, यहाँ पे भी 5/100, 7/100, और यहाँ पर हमको 2,000 लिखना है, ये 2,000 लिख दिया, बाकी ये हल ऐसे ही हो रहा है। यहाँ 2,000 रुपये लिख देंगे, यहाँ 2,000 रुपये, ठीक ना, इसको मिटा लेते हैं, 2,000 रुपया होगा, इसका गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक ना। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 5 बराबर 2x। तो इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 1 2 3 4 बराबर 2x, 1 2 3 4 बटे 2 बराबर x, ये आ गया 2 5 10, 1 2 3, तो x बराबर कितना आ गया 5,000 रुपये, ठीक ना। तो पहले बॉन्ड में निवेशित राशि 5,000 रुपये और दूसरे में 30,000 माइनस 5,000, तो ये हो जाएगा 25,000 रुपये, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 19 के दोनों भाग हो गए। अब उन्हें प्रश्न नंबर 20 देखेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 20 में है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति बुक है, पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक ना। तो इसको देख लेते हैं, तो प्रश्न नंबर 20, ठीक ना, माना मतलब क्या क्या दिया हुआ है इसमें, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितना दिया हुआ है, ये 10 दर्जन, ठीक ना। फिर लिखा है भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या कितनी दी है, 8 दर्जन, और अर्थशास्त्र के पुस्तकों की संख्या कितना दिया हुआ है, इसमें लिखा है 10 दर्जन, ठीक ना। और इसमें रेट लिखा हुआ है रसायन विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य
एक पुस्तक का मूल्य कितना दिया हुआ है, फिर यहाँ लिख लेंगे भौतिक विज्ञान का भी लिख लेते हैं। भौतिक विज्ञान के एक पुस्तक का मूल्य है ना, प्रति पुस्तक का मतलब एक पुस्तक का मूल्य। और अर्थशास्त्र के एक पुस्तक का मूल्य बराबर, इसको देख लेते हैं, लिखा है 80 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया और ये 40 रुपया, ठीक ना। तो अगर सभी पुस्तकों को बेच देगा तो इसका कुल मूल्य कितना इसको प्राप्त होगा वो देखना है। तो क्या करेंगे, प्रत्येक एक पुस्तक का दाम निकाल, एक पुस्तक में एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपया है तो हम कुल पुस्तक के मूल्य से 80 गुणा कर देंगे तो रसायन विज्ञान की पुस्तकों का दाम निकल जाएगा। 60 रुपया एक भौतिक विज्ञान के पुस्तक का मूल्य है तो इसमें पुस्तकों की संख्या गुणा कर देंगे तो हमको पूरी पुस्तक भौतिक विज्ञान कितने रुपये का पूरी पुस्तक पड़ेगी वो निकल जाएगा। और अर्थशास्त्र में इसी प्रकार 40 रुपया एक पुस्तक का दाम है, 10 दर्जन पुस्तकों का दाम कितना होगा। तो देखिए इसमें लिखेंगे, देखिए ये आव्यूह बनाएंगे, पहले यहाँ पुस्तकों की संख्या लिखेंगे 10, 8 और ये 10, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ये दर्जन में दिया हुआ है तो एक पुस्तक इसमें प्रत्येक में 12 का हम गुणा भी करेंगे इसको, ठीक ना, क्योंकि एक दर्जन में 12 मात्रा होती है, मतलब पुस्तक है तो 12 पुस्तक या, ठीक ना, तो ये इसलिए 12 गुणा करेंगे। और फिर इनका दाम लिखा हुआ है, एक पुस्तक का दाम 80, 60 और ये 40, तो इसी को मान ज्ञात कर लेंगे, इसको मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे कुल मूल्य है ना कितना रुपया प्राप्त होगा। तो पहले इस 12 गुणा अंदर कर लेते हैं हम लोग, तो ये जाएगा 120, 12 8 96, 12 10 120, ठीक ना, और ये लिख लिया 80, 60 और 40। फिर इसका हल करेंगे, इसका उड़ा इसमें करेंगे तो लिखेंगे 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40, तो लिखेंगे 12 8 96, 2 जीरो लगा दिया, 1 जीरो, 6 6 36 और 6 9 54 57 प्लस 12 4 48, 2 जीरो इनको जोड़ लेंगे तो देखिए 1 जीरो, ये जीरो जुड़ गया, ये 0 6 6, ये 6 हो गया, 8 7 15 और 15 6 21, हासिल 2 हो गया, और 9 5 14 और 14 4 18 18 18 में 2 हासिल तो 20। तो कुल मूल्य कितना रुपया आ गया, ये प्राप्त हो गया हमको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,160 रुपये इसको प्राप्त होंगे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 20 का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 21 में है, 21 इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए यक्स वाई जेड डब्लू पी क्रमशः कोटि के आव्यूह हैं, मतलब देखिए यहाँ आपको 2 2 4 5 आव्यूह दे रखा है, जैसे ये आव्यूह दिया है तो इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणे n, y दिया हुआ है तो y z w और p, और इनकी कोटि कितनी दी है तो यह है 3 गुणे k का आव्यूह है, ये 2 गुणे p का है, 2 गुणे p का है, ये n गुणे 3 का है और ये p गुणे k का है, ठीक ना। तो ये 5 आव्यूह दे रखे हैं जिनकी कोटियां दे रखी हैं, ठीक ना, किस कोटि के ये आव्यूह हैं, ठीक ना। इसमें बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं 2, 21 और 22। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 21 के लिए लिखा हुआ है, देखिए लिखा है पी गुणे वाई करिए, मतलब पी आव्यू और वाई आव्यू को गुणा करिए और डब्लू गुणे वाई करिए के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा।
ठीक ना, इनमें प्रतिबंध पूछ रहा है। तो देखिए इसमें पहला लिखा है विकल्प के बराबर 3 और पी बराबर एन होना चाहिए, और बी बराबर कितना दिया हुआ है के स्वेच्छ है, या पी स्वेच्छ है, मतलब पी का कोई प्रतिबंध इसमें नहीं होना चाहिए, ये मतलब होता है इसका के बराबर 3, और डी दिया हुआ है के बराबर 2 और पी बराबर 3, ठीक ना। तो क्या प्रतिबंध है देख लेते हैं। देखिए अगर दो आव्यूह, देखिए इसमें लिखा है दो आव्यूह को अगर गुणा करेंगे, ठीक ना, दो आव्यूह गुणा करने पर इनका देखिए क्या, जो गुणा करने के बाद जो आव्यूह प्राप्त होती है उनकी क्या कोटि होती है। तो देखिए हम पहले पी की कोटि की है पी गुणे के, और वाई का कितना है 3 गुणे के। तो जब इन दोनों आव्यूह का गुणनफल करेंगे तो हमको पी वाई मिला, तो इसकी कोटि क्या होनी चाहिए। तो देखिए ये पहला वाला ये पंक्ति को दिखाता है, ठीक ना, और ये स्तंभ को दिखाता है, ठीक ना। कोटि में इसका ये मतलब होता है ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है, ठीक ना। तो जब हम इन दो आव्यूह को गुणा करेंगे तो इसमें क्या नियम हो जाएगा कि के बराबर 3 होना चाहिए, ठीक ना, के बराबर 3 होना चाहिए। तो इससे क्या, इससे ये हो जाना चाहिए कि के बराबर 3 ये होना चाहिए, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक ना। ये दोनों बराबर होगा तभी P और Y आव्यूह का गुणनफल संभव होगा, और जब हम P और Y का गुणनफल करेंगे तो इसकी कोटि क्या प्राप्त होगी, तो हो जाएगा P गुणे K की। तो इसकी पी वाई की हो जाएगी P गुणे K, ठीक ना, इसकी कोटि प्राप्त हो जाएगी, ठीक। अब डब्लू वाई का देखते हैं। देखिए ये W है तो W का क्या है N गुणे 3, और Y का कितना है तो Y का 3 गुणे K है। तो जब हम इनका गुणा करेंगे डब्लू वाई लाना है तो हमको ये 3 इसके बराबर होना चाहिए। तो ये जो देखिए दिख रहा है सही है, 3 के बराबर है, तो इन दोनों का गुणनफल संभव है, ठीक ना। मतलब पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह का पंक्ति का दोनों बराबर होना चाहिए। आप देखिए इसमें जब ये डब्लू वाई जब ये दोनों गुणनफल करेंगे जो आव्यूह प्राप्त होगी उसका क्या कोटि होगी, एन गुणे के होगा। देखिए ये उड़े के इसको लेते हैं, इसकी कोटि बनती है, ठीक ना। तो अब देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ना है ना, इन दोनों को जोड़ना है प्लस लगाना है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि देखिए जब दो आव्यूह तभी जुड़ते हैं, देखिए ये तो एक आव्यूह प्राप्त हो जाएगा ये, ठीक ना, ये तभी जुड़ेंगे जब इनके कोटियाँ बराबर होंगी, ठीक ना। तो कोटि बराबर होगी तो देख लीजिए इसमें, देखिए यहाँ पर ये के और के तो बराबर है, इसका मतलब पी एन के बराबर होना ही चाहिए। तो इससे ये निकल के आया पी बराबर एन होना चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको दो प्रतिबंध समझ में आया कि के बराबर 3 हो और पी बराबर एन हो। तो देखिए के बराबर 3 और पी बराबर एन हो गया, इस प्रकार इसका विकल्प ए वाला सही हो गया। अब प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 में है, ये देखिए इसमें लिखा है n बराबर p, तो आव्यूह की कोटि क्या है ना, तो 7x माइनस 5z इसकी कोटि ज्ञात करनी है हमको, ठीक ना। तो इसमें देखिए x है, ये x का क्या है, x का देखिए लिखा है x 2 गुणे n, ठीक ना, और z का कितना है, z 2 गुणे p है यहाँ पर, ठीक ना। दो आव्यूह तभी जुड़ेंगे या घटेंगे जब इनकी कोटियाँ बराबर हो। तो इस प्रकार देखिए इनका, ये देखिए ये दो है, ये अचर पद है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आव्यूह की ही कोटियाँ देखना होता है अपने को। तो दो तो बराबर है, तो ये एन और पी मस्ट मतलब जरूरी है कि दोनों बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार एन बराबर पी भी है, ठीक ना, ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका अब जो हमको प्राप्त होगा इसका कोटि क्या प्राप्त हो जाएगी, तो देखिए इस जब इन दोनों को घटाएंगे हल करेंगे दो आव्यूह का घटाना करेंगे तो देखिए हमको जो प्राप्त होगा 7x माइनस 5z इसकी कोटि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ 2 है 2 है तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणे,
अब देखिए यहाँ पर इसका विकल्प नहीं लिखा, यहाँ विकल्प लिख देते हैं, विकल्प लिखने से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाता है। ये हो जाएगा पी गुड़े दो, बी दो गुड़े एन, सी एन गुड़े तीन और डी पी गुड़े एन, ठीक ना। तो इसमें देखिए दो दो गुड़े, ये देखिए दोनों बराबर है ना, एन बराबर पी, तो हम या तो दो गुड़े एन लिख सकते हैं या दो गुड़े पी लिख सकते हैं, ठीक ना, दोनों इसकी कोटि हो सकती है। तो इसमें जो भी विकल्प दिया होगा उसको हम लिख लेंगे। तो दो गुड़े पी तो इसमें कहीं नहीं है, तो दो गुड़े एन दिख रहा है, इसलिए इस प्रकार इसका विकल्प बी वाला हो गया। इस प्रकार यह प्रश्नावली समाप्त हो गई। धन्यवाद।